जिनके साथ आपके साथ हाजिर हैं। तो आज हम हैं किचन में, बहुत टाइम बाद आए हैं। तो रीज़न बस यही था कि एक्टिविटीज़ नहीं थी थोड़ी सी, तो अब हमने सोचा है हम कुकिंग करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे और बताएंगे। तो आज हम बना रहे हैं बैंगन आलू। तो उसके लिए ये देखें, हमने बैंगन कट करके रखे हैं मेरी बहन के आपका और जुर्म हुआ है। हमने मसाला जो है भून लिया है। ये इसमें प्याज हमने पहले फ्राई की है, प्याज के साथ हमने कड़ी पत्ता, मोटी मिर्चें, जीरा और गरम मसाला और लहसुन अदरक हमने डाल के पहले इसको फ्राई किया है। फिर हमने टमाटर डाल के इसका पेस्ट बनाया है। हल्दी, नमक और लाल पिसी हुई मिर्च हमने इसमें ऐड कर दी है। और ये मसाला हो चुका है रेडी। तो अब हम इसमें डालेंगे आलू, ठीक है। तो अब हम इसमें आलू ऐड करने जा रहे हैं। तो ये हमारे हैं आलू, हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको थोड़ी सी हाई फ्लेम में रख देंगे ताकि आलू जल्दी गल जाए। फिर हम इसमें बैंगन ऐड कर देंगे। बैंगन हम एक साथ ऐड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बैंगन ज़्यादा वो नहीं लेता टाइम, बैंगन ऐसे ही पक जाता है। और आलू जो है हमारे टाइम लेंगे। तो ये हमारा बैंगन आलू रेडी होने जा रहा है। तो हम इसमें पानी डालेंगे 1 कप, ओके। उसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ जी, तो हमारा अभी जो है फ्लेम अभी ये चल रहा है और आलू में कच्ची पक्की कसर आ गई है। तो बस हम थोड़ी देर 2-3 सेकंड में हम इसमें बैंगन ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें इमली का पानी डालेंगे। फिर थोड़ी देर के लिए इसको 5 या 9 या 8 सेकंड के लिए छोड़ देंगे ताकि ये जल्दी से बन जाए। फिर बन जाता है तो आपको इसकी असल शक्ल दिखाएंगे। तो हम इसमें अब बैंगन ऐड करने जा रहे हैं। आलू हमारे हो गए हैं तो फिर हम इसमें बैंगन ऐड कर रहे हैं। ये सही है। अब हम इसमें इमली का पानी डालेंगे। फिर मिलते हैं असल रूप के साथ बैंगन। अब इसमें आधा गिलास पानी ऐड कर देंगे। फिर इसको 5 से 8 सेकंड के लिए इसको हम छोड़ देंगे। अभी 2 सेकंड के लिए छोड़ेंगे। फिर हम इसमें इमली का पानी ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसको 5 सेकंड के लिए छोड़ देंगे। फिर हमारा सालन हो जाएगा रेडी, ओके। ये मेरा सालन हो चुका है रेडी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बैंगन आलू है ये। और अब हम इसके साथ बनाएंगे भगारे हुए चावल और पापड़ फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसको मज़े से खाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग खाना चाहते हैं तो आप इसके साथ चावल खाएं, बहुत मज़े के लगेंगे, टेस्टी। तो इसी बात के साथ साथ आप मुझे दें इजाज़त और हमारा खाना हो गया रेडी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसी व्लॉगों के लिए वेट करें, आते रहेंगे।